क्या एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी जीतनराम मांझी है? क्या एनडीए में अगर सरकार में फिर से दिक्कत होती है तो जीतनराम मांझी ही की पार्टी और जीतनराम मांझी कमजोर कड़ी एक बार फिर से साबित होंगे क्या? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार अब भले ही एनडीए के साथ हो, लेकिन अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी की औकात तक की बात कही थी। जीतनराम मांझी ने भी मोर्चा खोल दिया था, पटना से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी और ये एक सुर में कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने उनका अपमान किया है। लेकिन अब पार्टी में आ गए और पार्टी में आने के बाद अब कह रहे हैं कि उनके साथ अगर ठीक से रवैया नहीं रखा गया तो ये अन्याय होगा, यानी कि उन्हें अगर दो मंत्री पद नहीं दिए गए तो ये अन्याय हो सकता है। जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जिस निर्दलीय को अगर मनमाना विभाग मिल सकता है तो फिर हम पार्टी को क्यों नहीं। अब इसमें एक तर्क दिया जा रहा है, तर्क ये है कि अगर आप बिहार में देखें तो जीतनराम मांझी की पार्टी के जो विधायक हैं वो बहुमत से ज़्यादा है, यानी कि बहुमत के लिए जो संख्या 122 चाहिए उससे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा विधायक हैं, यानी कि वो चार विधायक जो हैं उनको लेकर जीतनराम मांझी की एक मांग है। सबसे पहले आपको जीतनराम मांझी का ये बयान सुनना चाहिए। ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें दो मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं, किसी ने चार बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि दो दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को दो मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंप्लीमेंट होकर के हम लोग मिले, इसलिए हमारी मांग है। जीतनराम मांझी जब ये बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ अमित शाह जो है वो न्याय कर सकते हैं, यानी कि उन्हें जो दो मंत्रिमंडल के पद चाहिए वो उन्हें मनमाना चाहिए। साथ ही वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें अगर उनकी मर्जी का मंत्रिमंडल मिल सकता है तो जीतनराम मांझी की हम पार्टी को क्यों नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक के तौर पर बिहार में सुमित सिंह हैं। सुमित सिंह इसके पहले नीतीश कुमार की सरकार जब भी रही दोनों टर्म में, चाहे वो महागठबंधन के साथ रही हो या फिर बीजेपी के साथ रही हो, हर सरकार में वो मंत्री रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका पुराना पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो उन्हें मिल सकता है। इस बीच जीतनराम मांझी ने दो मंत्रालय की मांग की है, जिसमें एक के लिए तो उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है लेकिन दूसरे के लिए अभी उन्हें इंतजार करना होगा। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि बिहार में नया मंत्रिमंडल जो बनने वाला है उसके फॉर्मूले में जीतनराम मांझी बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से किसके खांचे में फिट बैठते हैं ये देखना दिलचस्प हो सकता है। लेकिन इस बीच जीतनराम मांझी के इस बयान से जरूर कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी दोनों को डर सता रहा होगा कि 12 फरवरी को अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उस फ्लोर टेस्ट के दौरान जीतनराम मांझी की मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या वो कहीं कमजोर कड़ी साबित ना हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।